बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 47 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 का ये लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 6 का नाम ग्रेविटेशन है, और उसके अंदर हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ अर्थ पढ़ लिया था। अब दूसरा लेक्चर है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। हम ये बात जानते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी को रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा एम ई अपॉन वी। हम जानते हैं ग्रेविटी की वैल्यू ज़मीन पे क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ आ जाएगा जी आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अर्थ स्फीयर होता है जिसका रेडियस आर ई है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी के अंदर मास और वॉल्यूम पुट कर दिया, मास ही जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी, और ये 4/3 तब पलटेंगे तो 3/4 हो जाएगा। डेंसिटी निकालना है तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 3g आर ई से आर ई कट जाएगा, एक आर ई बच जाएगा, 4π g आर ई हो गया। 3 पता है ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, 4 पता है पाई की वैल्यू 3.142 होती है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6.4 × 6 सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 5484.05 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आसान सी डेंसिटी की डेरिवेशन थी, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद मास ऑफ सन है, मास ऑफ सन को मैंने M1 बोला, MS, मास ऑफ अर्थ को M2 ME बोला है। डिस्टेंस कितना है ज़मीन और सूरज के दरमियान, कैपिटल R, 1.5 × 11 meters, ये कांस्टेंट है, याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा होगा सन पे वो क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर, तो जी एम एम एस एम ई अपॉन आर का स्क्वायर कैपिटल। सेंटीपिटल फोर्स भी लग रही होगी क्योंकि ज़मीन सूरज एक घूम रही है, F होता है MV स्क्वायर अपॉन R। यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, कंपेयर करवा लूँगा, एम ई से एम ई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, जी एम एस आर वी आई स्क्वायर। हमें वी होता है 2πr/T, यहाँ पे 2πr/T पुट हो गया, स्क्वायर करूँगा तो चारों का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। हमें मास ऑफ सन चाहिए, आर वहाँ के मल्टीप्लाई, जी आके डिवाइड, 4 पता है पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमें पता है कॉन्स्टेंट है, 1.5 × 11, कैपिटल जी 6.67 × −11, टाइम पीरियड 1 साल में एक चक्कर लगाती है ज़मीन सूरज से गिर्द, तो टाइम पीरियड 1 ईयर होगा, 1 ईयर को मैं सेकंड बनाऊंगा, तो 1 साल में 365 डेज होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे, 1 दिन में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 60 सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा 3.15 × 7। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, टाइम पीरियड, मास ऑफ सन आ जाएगा 2.01 × 30 किलोग्राम। अब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड,